definitely हवा महल हो चुका है, मेरे पीछे ही है हवा महल, एंड नेक्स्ट उसी इज द सिटी पैलेस। जहाँ पे मैं 7 days के लिए था फैमिली के साथ या फैमिली टूर, ऑब्वियसली फर्स्ट 4 days जयपुर एंड द सेकेंड 3 days नेक्स्ट सिटी विच इज़ ऑल्सो रॉयल सिटी उदयपुर। तो हम देखेंगे नए व्लॉग में, नए व्लॉग सीरीज आई विल से, क्योंकि ये जो है पहले दिन का व्लॉग रहेगा जयपुर में, एंड वी वेंट अराउंड सेकेंड वीक ऑफ मार्च, सो लेट्स सी द व्लॉग। जी हाँ, राजस्थान फिलहाल तो जयपुर में, और करंटली जो मैं हूँ यहाँ पे जंतर मंतर, जो पहला मैंने स्पॉट चुना है जंतर मंतर, विच इज़ नोन फॉर इट्स प्रीटी मच यूनिक आर्किटेक्चर और यूनिक थिंग। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम जंतर मंतर घूम लेंगे एंड मैनी मंथ्स टू कम, सो वेलकम। जंतर मंतर में जो हम सबसे बड़ा एक यूनिक आर्कियोलॉजी शस्ताना यंत्र, मैं यहाँ पे जो मिडल ऑफ द शस्ताना यंत्र है आपको एक यूनिक चीज़ बता दूँ। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि ये स्केल्स है जो बता रहे कि एल्टीट्यूड एंड जेनिट डिस्टेंस ऑफ द सन। तो ये एक थोड़ा यूनिक आर्कियोलॉजी है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है जंतर मंतर में कि ठीक से समझ नहीं आता, सो प्रिफरेबली है कि आप एक गाइड ही हायर कर लीजिए। तो मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं हवा महल का बैक साइड व्यू। जी हाँ, हवा महल भी यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूरी पे है, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा हवा महल। तो मैं अब जिसके सामने हूँ, ये ऐसा अनोखा आर्किटेक्चर है जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कहीं सनशाइन के है, जैसे अभी मेरे जो नज़दीक जो सनशाइन है वर्गो का सनशाइन है। और ठीक, इसके आज में कैंसर कर्क राशि जो कहते हैं, माना जाता है कि जंतर मंतर सिर्फ एक साइंटिफिकली नहीं, लाइक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से ये मिलकर बनाया गया है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि ये दो डिज़ाइन यहाँ पे कैसे है। तो अभी जो बात मुझे पता चली कि ये जो डिज़ाइन है ये रफ़ डिज़ाइन माना जाता है, और जो फाइनलाइज डिज़ाइन है वो वहाँ जहाँ पे लाइक प्रॉपर डिज़ाइन का है। तो यहाँ पे हर एक जो चीज़ है पहले कंपोज डिज़ाइन जो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट डिज़ाइन, एंड जो दूसरी बगल में ही रहती है वो एक्चुअली रहती है फाइनल डिज़ाइन। जैसे मेरे सामने आप देख से दो गोले, जो लेफ्ट वाला साइड है वो जो कॉम्प्लीमेंट है, और जो यहाँ वाला साइड है दिस इज़ द फाइनल डिज़ाइन। सो यहाँ पे यही एक आर्किटेक्चरल यूनिकनेस है कि जो भी आप चीज़ें पहले बना रहे उसको पहले कंसेप्शन ही बना के उसको फाइनल में इनपुट कर रहे। सो जंतर मंतर में मैं लाइक सजेस्ट करूँगा कि आप गाइड ही ले, बेटर रहेगा, बिकॉज हम लोग 2-3 गाइड की इधर से सुन रहे थे। सो फिलहाल के लिए जंतर मंतर हो गया, अब नेक्स्ट हवा महल। तो जंतर मंतर में हम जाके आ गए और अब टूवर्ड्स हवा महल जा रहे। तो मैं एक बात बोलना भूल गया था, जब भी आप जंतर मंतर में जाओगे वहाँ पे हर एक मॉन्यूमेंट में एक एंट्री टिकट है। तो सजेशन ये है कि आप जब जाओगे यहाँ पे जयपुर में तो पहले जंतर मंतर में जाके वहाँ पे कॉम्पोजिट टिकट करके ऑप्शन रहता है, जो करीब 7 जगह जाता है। सिर्फ सिटी पैलेस जो है उसके ठीक करीब सामने जो हम प्लान करें जाने में, तो इसके बाद हवा महल के बाद, तो कॉम्पोजिट टिकट ही लेना मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक टिकट 2 दिन के लिए वैलिड रहता है एंड यू कैन गो अप टू 6 प्लेसेस। सो दिस इज़ व्हाट द मेन सजेशन आई वुड से। पहुँच चुके हैं हवा महल और इसकी एंट्री जो है काफ़ी घूम के है, तो चले हवा महल के अंदर। यहाँ से है एंट्री हवा महल के लिए,
सामने का भी सीनिक देखेंगे थोड़ी देर में, तो स्टेप्स नहीं है हवा महल के अंदर, हम ऊपर चढ़ते चढ़ते गए और आई गेस दिस इज द वन ऑफ द टॉप फ्लोर। तो ये छोटे द्वार से भी यहाँ पे सिटी व्यू दिख रहा था, बिल्कुल हवा महल के अंदर से पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है। ये कोने का साइड से छोटा सा दरवाजा, तो हम बिल्कुल ऊपर है हवा महल के सामने और हम देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारी चीज, ये है पूरा हवा। तो हम हवा महल के बिल्कुल ऊपरी इलाके में है और यहाँ से बहुत सारी चीज दिख रही है। जो मेरे सामने जो व्यू दिखा रहा है वो है जंतर मंतर, और ठीक उसके बाजू में है सिटी पैलेस, सिटी पैलेस ऑफ जयपुर, और ठीक मेरे जो सामने वो नाहरगढ़ फोर्ट है। तो यहाँ से जो तीन चीजें हमें दिख रही है हवा महल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से। तो ये है हवा महल जो हमने अंदर से देखा और वो बाहर से देख रहे हैं, बहुत ही भीड़ है यहाँ पे गाइस, पिंक सिटी और मेरे सामने की हवा महल। फाइनली हवा महल हो चुका है, पीछे ही है हवा महल, एंड नेक्स्ट टू सी इज द सिटी पैलेस जो 1 किलोमीटर पैलेस। राजा होते दस सिटी पैलेस बिल्कुल में आपका वेलकम करता हूँ। सामने जो येलो कलर का बिल्डिंग देखें, जयपुर राजस्थान का फर्स्ट 7 स्टोरी बिल्डिंग, जो आमेर के लास्ट राजा थे महाराजा सवाई जयसिंह। आमेर में दो प्राइवेट सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन माउंट एरिया होने के रीजन से, वाटर कैपेसिटी की कमी होने के रीजन से आमेर में दो प्राइवेट सिटी नहीं बना सकते। इस रीजन से महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा 1727 में जयपुर सिटी को फाउंडेशन किया गया और जयपुर का फर्स्ट 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाया गया। इस महल का नाम उनकी वाइफ के नाम पर रखा गया, चंद्र कलावती से चौदह से चंद्र महल मून पैलेस के नाम से दीवाने खास सर्वतो भद्र के नाम से जाना जाता है। राजा के जितने भी शुभ मंगल कार्य किए जाते हैं वो यहाँ की लोगों से किए जाते हैं, जिसमें राजा के सिटिंग में अरेंजमेंट हुआ करते थे, साइड में राजा के मिनिस्टर वगैरह बैठा करते थे, वो प्राइवेट सिटिंग यहाँ की लोगों पर हुआ करते थे। पहले एक गाँव तो हुआ करता था कि गर्ल्स के भी यश होते, इस रीजन से इस सेंटर में बनाया गया और काफ़ी डिस्टेंस पर वहाँ भी चारों तरफ से वॉल से कवर किया गया, ताकि जो राजा की प्राइवेट मॉल वगैरह की मीटिंग हुआ करते थे उनके लिए कोई मान आए। इंग्लैंड के राजा थे एडवर्ड सेकंड, उनके राजक में इनको इंग्लैंड जाना पड़ा, वहाँ गंगा जल ले जाने के लिए राजा को बर्तन की आवश्यकता पड़ी। राजा ने अपने खजाने से 14,000 सिल्वर के कॉइन्स निकलवाए और उनको गलवा करके विश्व के सबसे बड़े सिल्वर के जार बनवाए, क्योंकि वो सामने रखा हुआ है। एक कलश का वेट है 345 kg, 5.3 इसका हाइट है, 14.10 इसका राउंड है, 2,000 लीटर एक कलश का वाटर बॉटल, इस तरीके से दो बनवाए गए जो कि विश्व के सबसे बड़े सिल्वर के जार। सो दिस वॉज द सिटी पैलेस ऑफ जयपुर, यह सिटी पैलेस ऑफ जयपुर जहाँ पे हमने गाइड हायर किया था टू नो अबाउट द हिस्ट्री क्या है, बिकॉज बहुत सारी समझ में नहीं आती। एंड दिस आर द एंट्री टिकट्स राइट ऑफ शून्य, और यही से है डे वन का व्लॉग खत्म होता है। आई नो आई एम नॉट दिस रिकॉर्डिंग द वॉइस,
जहाँ पे हमें बहुत टायर्ड हुआ था। एंड मेक श्योर यू डू कैरी योर वाटर बॉटल्स बिकॉज यहाँ पे घूमते समय बहुत प्यास लगती है। सो दैट्स इट फ्रॉम द डे वन व्लॉग, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, ऑब्वियसली डे टू। सो टिल दैट स्टे ट्यून्ड एंड बाय फॉर नाउ।